हेलो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं क्यू क्यू प्लॉट के बारे में और पी पी प्लॉट के बारे में। क्यू क्यू प्लॉट का मतलब है क्वांटाइल क्वांटाइल प्लॉट, और पी पी प्लॉट को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी प्लॉट या परसेंट प्लॉट। इन दोनों का यूज़ किया जाता है नॉर्मेलिटी चेक करने के लिए किसी एक वेरिएबल की। इंटरप्रिटेशन इसका ऐसा होता है कि अगर आपकी एक तो स्ट्रेट लाइन आती है, कुछ आपके डॉट्स आते हैं, अगर ये डॉट्स स्ट्रेट लाइन के ऊपर हैं परफेक्टली या काफ़ी ज़्यादा, तो डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है वरना नहीं है। तो ये बनते कैसे हैं, इनका मीनिंग क्या है, बैकग्राउंड स्टोरी क्या है, मैनुअल कैलकुलेशंस क्या हैं, उसके बारे में हम आज बात करते हैं। तो अगर आप मैनुअल कैलकुलेशन एक बार देखते हैं तो पीछे के कंसेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर होते हैं। ये मैं एक डाटा सेट पर काम करता हूँ, और डाटा है मेरा, मैंने अभी कुछ टाइम पहले एक बनाया था वीडियो स्टैंडर्डाइज रेजिडुअल को कैसे सेव करते हैं, तो मैंने वहीं से डाटा ले लिया 8043 एक्सेक्ट्रा सोन। तो इसको कैसे किया जाता है या इसका कंसेप्ट क्या है, देखिए क्यू क्यू प्लॉट ज़्यादा पॉपुलर है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। बेसिकली हमारा एक स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसको बोलते हैं बेल शेप्ड कर्व। इसमें मीन मीडियन मोड सेंटर पॉइंट पर कंसाइड करते हैं, क्योंकि मीडियन सेंटर पर है, एग्जैक्टली सिमेट्रिकल है दोनों तरफ, तो ये आपका एरिया अंडर द कर्व 0.5 होगा, 0.5 इधर होता है। और अगर मैं कहीं पे भी एक लाइन लगाऊं तो हमारे पास टेबल होती है जेड इज इक्वल टू 0 टू जेड इज इक्वल टू दिस वैल्यू, वो एरिया कितना होगा ये हमें पता होता है। तो क्यू क्यू पी पी प्लॉट हम बनाएंगे कैसे, इसको हम दो तीन स्टेप्स में करते हैं। पहला, आपका जो भी डाटा गिवन होता है उसको आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लीजिए। मैंने असेंडिंग में लगा लिया ये, तो अगर मैं देखूँ टोटल मेरे पास कितनी वैल्यू है, 10 वैल्यू हैं, तो इनको मैं दे सकता हूँ 1, 2, 3, यानी 1 से लेकर 10 तक हो गई है ये। अब एक तो है मैं इनका जेड स्कोर निकाल लूँ, तो एवरेज मेरे पास है एवरेज के फंक्शन से, और एस टी डी ई वी से मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है। मैं इनका जेड स्कोर निकाल देता हूँ, दैट इज दिस माइनस एवरेज एंड डिवाइडेड बाई ये वाली वैल्यू, ये जेड स्कोर आ गया। तो अब देखिए जेड स्कोर जो है ये -3 से 3 के बीच लाई करते हैं, और ये जो एरिया अंडर द कर्व है ये भी -3 से +3 के बीच लाई करता है। तो एक्चुअल तो है ये जेड स्कोर, यानी -1.15 से 1.19 तक, यहाँ पे इतना है। और अगर मैं इसको 10 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दूं इनको, तो फिर मेरा कितना जेड स्कोर आएगा। तो उसके लिए यहाँ पे इसको कन्वर्ट कैसे करें, इसके बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं या डिफरेंट फॉर्मूले हैं। तो आप यहाँ अगर देखें विकिपीडिया पे, इन्होंने डिफाइन किया कि अलग अलग जगह आपको ये फार्मूले मिलते हैं। तो मैं अभी ये वाला फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ, k माइनस 0.375 डिवाइडेड बाई n प्लस 0.25। तो ये जो रैंक है, रैंक या कोई भी नंबर, ये तो एक असेंडिंग ऑर्डर में है ना, तो बेसिकली रैंक ही लिख दिया मैंने। इसका मैं i बनाता हूँ, तो I कैसे बनेगा, यहां पे इज इक्वल टू दिस वैल्यू -0.375 डिवाइडेड बाई n जो कि 10 है प्लस 0.25। तो मैं सीधा ही 10.25 से डिवाइड कर देता हूं इसे। तो ये तो हो गए मेरे z का स्कोर, यानी अगर मैं इसको 10 हिस्सों में यहां पे ऐसे करूं ना, 1, 2 ऐसे वर्टिकल लाइन लगाऊं, 10 हिस्से बराबर करूं, तो ये मेरा बनेगा 0.06, 0.15, 0.25, 0.35, 0.45 एंड 0.93 तक। और उनका कोरस्पॉन्डिंगली एरिया कितना होगा वो हम एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। एरिया कैलकुलेट करते हैं norm.s.inv, इससे ये प्रोबेबिलिटी का, देखिए ये बोलता क्या है, इट रिटर्न्स द इनवर्स ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व डिस्ट्रीब्यूशन विच एज ए मीन ऑफ 0 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1। तो यहाँ पे आप प्रोबेबिलिटी बताइए क्या है आपकी, और ये उसका ये जेड वैल्यू इसने दे दी है, राइट। तो हमारे पास 2 आ गई। अब देखिए अगर ये परफेक्टली नॉर्मल है, मेरा डाटा अगर परफेक्टली नॉर्मल है, तो ये इन्हीं वैल्यूज को बिल्कुल ऐसे ही ओवरलैप करेगा एक तरह से, क्योंकि ये वैल्यू है एक्चुअल मेरी नंबर, एक तो मैंने असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाई है, -1.15 से 1.91 तक है। लेकिन अगर मैं वैसे देखूं एक्चुअल में चार्ट के ऊपर 10 हिस्से करके देखूं कि कितना आना चाहिए, तो वो आना चाहिए -1.54 से +1.54। तो एक काम करते हैं, दोनों को हम एक बारी प्लॉट करके देख लेते हैं फिर। तो मैं इनको ले चलता हूँ यहाँ पे, कॉपी 1, 2, 3, सिर्फ डाटा कॉपी कर रहा हूँ मैं, फार्मूले नहीं,
और कॉपी 1 2 3, और इन दोनों का हम चार्ट बना लेते हैं, स्कैटर प्लॉट। सो जेडी को हटा दें और इनके बीच में एक हम लाइन भी ड्रॉ कर देते हैं, एड ट्रेंड लाइन, लीनियर ट्रेंड लाइन विल डू, ठीक है। और ये मैंने बनाया क्यू क्यू प्लॉट, आइए इसको स्पेसेस में चेक कर लें। डाटा मेरा कैसा भी है ये ऑटोमेटिकली उसको असेंडिंग डिसेंडिंग वाला अपने आप कर लेगा ये। और क्यू क्यू प्लॉट, क्यू क्यू प्लॉट में इधर डाला और कुछ भी नहीं, ओके। तो चेक करें एक बारी क्या हमारा चार्ट ऐसा ही आया है। आप चाहें तो इस लाइन को थोड़ा सा मैं बोल्ड कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा विजिबिलिटी अच्छे से दिख जाए हमें एक बारी, वेट इतना, ओके चेक करें एक बारी। और ये हटाना है तो इनको हटा भी सकते हैं, ये जो हमारे ग्रिड लाइंस वगैरह हैं। ओके देखिए, पहले चार पॉइंट एकदम से ऊपर गए, फिर गैप्स आया, फिर तीन पॉइंट ऊपर गए, दो पॉइंट, तीन पॉइंट, फिर दो पॉइंट और एक बिल्कुल लास्ट में है यहाँ पे बंद है, ठीक है। ये हमारा बन गया क्यू क्यू प्लॉट। अब क्या लग रहा है आपको, क्या मैक्सिमम पॉइंट अगर इस लाइन के ऊपर आते परफेक्टली, फिर तो हम बोलते हैं तो फिर बिल्कुल एज गुड, फिर तो वैल्यू यही होती है ना, -1.54, 1.6 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फिर तो परफेक्टली नॉर्मल होता। लेकिन अभी परफेक्टली नॉर्मल तो नहीं है, अब ये इसकी लिमिटेशन है, तो फिर क्या इंटरप्रिटेशन है, नॉर्मल है या नहीं है। अब इस चीज को इससे देखना, देखने से तो लग रहा नहीं है, तो आओ चेक कर लेते हैं। एक्सप्लोर, एक्सप्लोर में हम चेक करते हैं नॉर्मेलिटी प्लॉट, ओके कंटिन्यू, बल्कि प्लॉट ही चाहिए मुझे, ओके विद टेस्ट, तो टेस्ट ही आ गया, कोलकोमरोव-सिमरन ऑफ टेस्ट। अगर वैल्यू 0.05 से बड़ा है तो डाटा नॉर्मल है, ये तो बता रहा है नॉर्मल है, लेकिन चार्ट से देखने से तो नहीं लग रहा नॉर्मल है। यही इसकी लिमिटेशन है कि देखने से नहीं पता लगता, पर वैसे आई होप आप आइडिया समझ गए हैं। आइडिया बेसिकली ये है, अगर ये परफेक्टली नॉर्मल है तो इन केस ये जो एक्चुअल वैल्यूज हैं और जो थ्योरेटिकल वैल्यूज हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यूज हैं, ये ओवरलैप करेंगी, एक लाइन ये है और एक इसके ऊपर, बिल्कुल यूं की यूं आएंगे। तो पहले हम दो स्टेप्स में, पहले इसको असेंडिंग डिसेंडिंग में लगाएं, उनका जेड स्कोर निकाल दीजिए, जेड स्कोर भी नॉर्मलाइज स्कोर होता है, फिर यहां पर रैंक्स देके इनको आप पहले एक कोई भी आई मतलब 10 बराबर हिस्सों में, जितनी वैल्यूज हैं उतने हिस्सों में बांट रहे हैं, दैट्स वाई एन प्लस 0.25 है, 0.25 है इसलिए क्वार्टाइल। परसेंटाइल में हम कैसे करेंगे, ये पोर्शन तो सेम ही है, फर्स्ट इसका आप जेड स्कोर निकाल लीजिए, दिस वैल्यू डिवाइडेड बाई दिस वैल्यू, तो ये तो जेड स्कोर है, रैंक भी इसके ऑलमोस्ट ठीक है। परसेंटाइल में हमारे पास वो नहीं होता है कि 10 चार हिस्से हैं, पांच हिस्से हैं, तो 100 हिस्से हैं, तो यहां पर इसलिए हम -0.5 डिवाइडेड बाई एन, बस ये कर देते हैं। देखिए दिस वैल्यू -0.5 और डिवाइडेड बाई, यहां 10 है मेरे पास वैल्यू, तो 10 से डिवाइड किया, 16 है तो 16 हो जाएगा, 300 है तो 300 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहां परफेक्टली आपको आई होप समझ आ रहा होगा, 0.5, 1.5, 2.5, 9.5 इतने बराबर हिस्से मैंने इसके कर दिए, और इनका वहां पे थोड़ा सा फर्क था, सॉरी यहां 0.06 और ऐसा था, ठीक है 6, 16, 26 था, यहां पे 5, 15, 25, ऑलमोस्ट सेम आएंगी वैल्यू, norm.s.inv, तो 1.64 से ये आ गई वैल्यू। तो आइए इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ये वाला और एक्चुअल वाली वैल्यू, कॉपी एक्चुअल वाली और दोनों को हम चार्ट बना देते हैं। मैंने इसका शॉर्टकट किया हुआ है, ऑल्ट एफ वन डिफॉल्ट चार्ट होता है, तो ये मेरा चार्ट बन गया है। लाइन भी ड्रॉ कर दें, राइट क्लिक, ड्रॉ ट्रेंड लाइन, लीनियर, दैट्स ओके, और इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ ताकि विजिबिलिटी कंट्रास्ट हो जाए क्लियर। ओके सो लेट्स नाउ मेक द पीपी प्लॉट, तो अच्छा बना रखा है मैंने पीपी प्लॉट, तो पीपी प्लॉट में नॉर्मल क्यू क्यू प्लॉट आ रहा है, ओके एनालाइज डिस्क्रिप्टिव पीपी प्लॉट, पीपी प्लॉट में ओके। अच्छा देखिए इसमें की वैल्यू आती है यहाँ पे, इसके पैरामीटर्स क्या हैं, 45 और 18 पॉइंट, लोकेशन और स्केल, क्या चीज़ है लोकेशन और स्केल, एवरेज का नाम है लोकेशन 45 और 18.251 को स्केल बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को। ये आ गया हमारा चार्ट पीपी प्लॉट का, तो इसमें देखें चार पॉइंट पहले आ रहे हैं, चार पॉइंट हमारे आ रहे हैं ठीक है, फिर ब्रेक के बाद तीन पॉइंट है हॉरिजॉन्टल से, फिर थोड़े से ब्रेक के बाद फिर तीन पॉइंट है, तो
ऑलमोस्ट पॉइंट क्लियर हैं, पर ये नहीं इससे एग्जैक्टली पता लगता कि कितने क्लियर हैं, क्या ये नॉर्मल है या नहीं है। उसके लिए तो हमें फिर जो केस टेस्ट है, वन सैम्पल केस टेस्ट है, वो ज़्यादा सही डिटर्मिनेंट है। पर चलिए, पता होना चाहिए आपको पीपी प्लॉट क्यूक्यू प्लॉट को मैनुअली कैसे करते हैं प्लॉट। सो होप इट वॉज यूजफुल फॉर यू। लेट्स स्टॉप हियर। थैंक यू।